ये अवैध पर्यटन से जैसे जानकारी मिली आप लोगों के माध्यम से, तो हल्का पटवारी को तत्काल हमने निर्देशित किया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते ही तहसीलदार के माध्यम से प्रस्तुत किया। दिनांक 13/12 को हमको तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुआ और 14/12 को हमने केस रजिस्टर कर लिया है। और रजिस्टर करके अवैध प्लाटिंग करने वाला जो रिपोर्ट आई है, बसंत पिता सी डी वाही और कमलेश पिता लक्ष्मी प्रसाद, श्रीमती शशि पति दिलीप कुशवाहा और तुलसीबाई पति गोपाल सिंह के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। किस तरह की अनियमितता यहाँ पर की गई है? अनियमितता इसमें यही है कि जो पटवारी रिपोर्ट आया है उसमें रोड बना करके प्लाटिंग की जा रही है, ये ढंग से आया है तो उसको अब डिटेल जांच का उन्होंने विवरण में वही दिया है कि रोड बना के इनके द्वारा किया जा रहा है ऐसा करके। अब उसके जवाब क्या आता है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, कालोनाइजर एक्ट के तहत कार्रवाई होती है इसमें, जो एक्ट में जो प्रावधान है, इसके बाद में अब इसका जवाब आने के बाद में देखा जाएगा उसमें, तो तब उसके बाद ही निर्धारित की जाएगी कार्रवाई लायक है कि नहीं, क्या है, क्या स्थिति बनती है। अभी तो हमने सूचना उनको फॉर्मल सूचना दिया है, कारण बताओ नोटिस कि आपने इस ढंग से अवैध कर रहे हैं, अब वो जवाब क्या देता है उसके बाद निर्धारित की जाएगी क्या होता है उसमें आगे। बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, निस्संदेह बन सकती है यदि अवैध पाया जाता है तो। सर एक चीज और पूछना था, ये बिल्कुल जिला कार्यालय जहाँ सारे अधिकारी आते जाते हैं, आप भी आते जाते हैं, शिकायत के बाद ही क्यों कार्रवाई हुई? पहले आप लोगों ने निगाह में कि शिकायत होने पर ही कार्रवाई? नहीं नहीं, वैसे जैसे निगाह में तत्काल उनको पटवारी को निर्देशित कर दिया गया था तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करो करके, और विधिन वीक के अंदर ही सब रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। उस दरमियान आप लोगों की शिकायत भी शुरू हो गई थी, दोनों प्राय की एक ही साथ हुई, काम शुरू किया, शिकायत भी हुई और तत्काल रिपोर्ट भी आ गया उसमें।